Welcome to Comedy Circus Ke Super Stars. पिछले हफ्ते शुरू हुई थी चैंपियंस वर्सेस चैलेंजर्स की रेस जो अब तक चली आ रही है. जैसे कि आपने पिछले हफ्ते देखा कैसे हमारे चैंपियंस और चैलेंजर्स अपनी धांसू परफॉर्मेंसेस से लेकर गए कॉमेडी को एक नए स्तर पर. और आज उसी प्रथा को कायम रखने हम मिलेंगे बाकी चैंपियंस और चैलेंजर्स से. लेकिन उससे पहले हम बुलाएंगे कॉमेडी के सबसे बड़े गैम्बलर को. A big round of applause, ladies and gentlemen, for comedy ke hero number one, Govinda. Aur hasi ki world ambassador, comedy circus ki aan, baan aur shaan, Archana Puran Singh. Pichle hafte aapne dekha ki kaise champions Rajiv aur Saloni ne dikhaya apna comedy ka jalwa. Aur kaise challengers Suraj VIP aur Kapil Natasha ne diye unhe mood tod jawab. और अब चैंपियंस और चैलेंजर्स दोनों हैं तैयार. अपना अपना अगला जलवा पेश करने तो आइए मैं बुलाती हूं हमारे आज के पहले चैंपियन को. प्लीज वेलकम द चैंपियंस सुदेश एज हवलदार एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स. बंद कर यार, तुम इतने एंजॉय क्यों करती हो? जरा सा कोई सुर में गा दे इनका तबला निकल जाता है. एक मिनट जरा मैं पहले अपनी दुकान से जा लूं. हेलो यार, तुम तो अच्छी किराने की लगती हो, ये रेड लाइट एरिया में क्या कर रही हो? चलो मैंने क्या लेना है, तू जानिए सुरेंद्र. खैर सबसे पहले तो अर्चना जी, लोग मुझे सारी उम्र कहते रहे, समझाते रहे कि ये कॉमेडी सर्कस में तू आएगा तो एक दिन सड़क पे आ जाएगा. बंद कर दे, देखो मैं सड़क पे आ गया. लेकिन आप जानती है कि मैं पहले शरीफ आदमी था, पुलिस में अभी मैं भर्ती हुआ हूँ. गोविंदा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाए. एक छोटी सी शिकायत भी है हम सब की तरफ से. ये जो आपका भांजा कृष्णा है, इसको चलो एक्टिंग तो नहीं सिखाई आपने, छोड़ो, लेकिन कॉमेडी क्यों नहीं सिखाई? सिर्फ आपने डांस सिखा के इसको मार्केट में छोड़ दिया यार. इसको पता नहीं है कि स्टार बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है. मुझे पता है, मैंने बॉम्बे में 20 या 22 दिन स्ट्रगल किए सर. किसी ने मुझे जरा सा हीरो का रोल भी नहीं दिया. आप अच्छे रह गए स्वर्ग फिल्म में, एक ही डायलॉग बोला था, हाँ हाँ मैं एक मुजरिम हूँ, रोल मिल गया, हीरो बन गए. मैं कहता हूँ हाँ मुजरिम हूँ, मुझे अंदर कर देते हैं यार. वाले यार. कोई तो आओ. अरे यार आजकल हाथ भी खुद ही पकड़ना पड़ता है. अंधे आदमी को कोई नहीं पूछता साहब. हेलो टाइम कितना हुआ भाई? देखो अंधे आदमी से टाइम पूछ रहा है. वो साले खुद ही तो कह रहा कोई पूछ नहीं रहा, तो मैंने पूछ लिया तो आगे से लड़ता तू. ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी ना ऐसे ही होते हैं. भाई तेरे को कैसे पता हुआ मैं ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ? अबे मैं अंधा हूँ, बहरा थोड़ी हूँ. है क्या, बहरा है क्या तू? पीछे से सब मैं सुन रहा था. अच्छा बता, इस रोड का दूसरा साइड किस तरफ है? ये पूछना? हाँ. उस तरफ. अबे उस तरफ जाता हूँ तो वो इस तरफ बोलता है, इस तरफ जाता हूँ तो उस तरफ बोलता है. अबे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, उंगली नहीं दिखाने का अंधे आदमी को? तूने यार जाना किधर है बोल? तुझे ना अपना गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है. ओ ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो? बड़ी चीज है अर्चना जी, इसने साबित कर दिया प्यार अंधा होता है. मजाक मत कर. अरे हुआ क्या? मेरा गर्लफ्रेंड का किसी ने इज्जत लूट लिया है. यार बड़ा दुख लगा मेरे को. तू हौसला रख, हिम्मत ना हार, जा बदला ले उससे. अंधा आदमी मगर अंधा आदमी बदला क्या लेगा साहब? सोच रहा हूँ पेमेंट ही ले लूँ.
अच्छा एक बात बता, तू मेरे को सड़क पार कराता है कि मैं अब खुद ही जाऊं? नहीं सर, ऐसे हो सकता है? मैं तेरे बाप का नौकर हूं? क्या आपने अब? तो मेरे को सड़क पार नहीं कराएगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी भी मजबूरी है। नहीं तेरे से नहीं होना, चुप कर। मेरी मजबूरी है यार, मैं कोई भी काम बिना पैसे के नहीं करता। तो फिर कॉमेडी सर्कस क्यों कर रहा है? तो हाल है अर्चना जी, हमारा शो अंधे लोग भी देखते हैं। एक मिनट, ये मुझे जाने का रास्ता बता दो। जाने का रास्ता अंदर ना बेचारा, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओगे ना? हाँ? तो गोविंदा साहब थोड़ा सीधे होना, सामने एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देगी, अर्चना टावर। मारूंगी। अरे, अरे कैसे दिखाई देगी, मैं तो अंधा हूँ। सॉरी सॉरी, और वहां से ना तुम राइट हो जाना। ओके, राइट इस तरफ होता है। हाँ राइट हो जाना। और थोड़ा सा आगे जाओगे ना, हाँ? तो वहां पे एक पीपल का पेड़ होगा। हाँ? वहां एक खूबसूरत लड़की तुम्हें दिखाई देगी। अच्छा, साले बिल्डिंग तेरे को दिखाई नहीं देती, लड़की। अच्छा। तू आगे एड्रेस बोल। हाँ तो सुन ना, चार कदम आगे जाएगा, हाँ? तो वहां पे ना एक गंदा नाला नजर आएगा। कहाँ पहुंचा तू? मैं तो अभी भी लड़की के पास हूँ। तू बेवकूफ बना रहा है मेरे को। अरे आगे बोल तू। ये बोल, थोड़ा सा आगे जाएगा ना, नाले के बिल्कुल बाजू में दो गंदे गंदे सुअर लेटे होंगे। नहीं, आज एक ही सुअर लेटा है। तेरे को कैसे पता हुआ? क्योंकि एक तो मेरे सामने खड़ा है। अरे साला मार, साला अंधा पे हाथ उठाता है। अगर मैं अंधा नहीं होता ना तो साले देख लेता तेरे को। तेरी माँ का साकी नहीं जी, मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, मैं वहां भी बैठा हुआ था तो आप मेरी तरफ देख रहे थे। यार कितना क्यूट आदमी है, कितना स्वीटी है, ये पुलिस में कैसे आ गया? घर की मजबूरियां, बड़ों का आशीर्वाद का पंगा। मैं पहले कारखाने में काम करता था, मेरे पापा मुझसे पैसे मांगते थे, बेचारे बीमार थे शराब के लिए। मैं कैसे दे देता यार, मैंने भी जुआ खेलना होता था, मैं ना कर देता था, मैं ना करता था। उसको गुस्सा आ गया, कहते जैसे मैं तेरे से पैसे मांगता रहता हूँ ना, जा तू सारी दुनिया से मांगता रहे, मैं पुलिस में आ गया। सिग्नल तोड़िए, रुक रुक। अरे मैं गाड़ी में थोड़ी हूँ, हवाई जहाज में हूँ, सिग्नल का क्या लेना देना। नीचे आ तू, नीचे आ जाने तो मैं ऊपर आऊंगा। नहीं नहीं लफड़ा होगा, मैं नीचे आती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? चल पार्किंग कर। Okay. चल पीछे पीछे। हाँ। पीछे पीछे। हाँ। कम बैक 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 कम बैक। अबे कुतरिया बोल नहीं सकता कि पीछे खंबा है? बोल तो रहा हूँ खंबा 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 खंबा, तू सुनती नहीं। बकवास ना कर जल्दी, शक्ल तेरी साइकिल जैसी है, जहाज लेके घूम रही है, कहाँ से लाई है ये? मजबूरी साहब। माल्या साहब 3 साल से मेरा तन खा रहे हैं। क्या तनखा खा रहे हैं? तो मैं ना उनका जहाज उड़ा के मार के भाग आई हूँ। अर्चना जी देख लो, माल्या साहब इनका पैसा नहीं दे रहे, ये जहाज लेके भाग रही है। हम ये स्टूडियो लेके कहाँ भागे? ओह माय गॉड, गोविंदा। हाँ हाँ इधर वाला। गोविंदा पहचाना मेरे को? राजा बाबू, उसके टाइम पे आया करती थी ना मैं मिलने शक्ति कपूर से। तू पागल हो गई है, पागल हो गई है। किसका नाम ले लिया? किसका नाम तो वो लेते ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा आदमी है वो। सच्ची बोलती हूँ, बहुत सीधा आदमी है वो, तो पिक्चर में ही करता है आओ हच क्या हो, आओ हच क्या हो। पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा आदमी। अच्छा? हाँ। तुम्हें कैसे पता? नहीं तो जवान लड़की को कौन रखता है अपने घर पे फ्री में। नहीं नहीं सच में इतना अच्छा है कि बेचारे के पास एक ही बेड है, लेकिन फिर भी मुझे नीचे सोने नहीं देता। मैं तेरा चिलान काटूंगा, लाख रुपए लूंगा, लाख रुपए निकाल। अरे साहब गरीब नहीं से लाख रुपए क्यों ले रहे हो? अगर मेरे पास लाख रुपए होता तो मैं शक्ति कपूर के साथ थोड़ी होती। मैं तो गोविंदा से नंबर लेती गुलशन ग्रोवर का, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मेरा टाइम खोटी मत कर, प्लेन का टाइम हो गया, हम बस अड्डे पे सब वेट कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।
चालू नहीं हो रहा, धक्का दे जहाज को। अच्छा गोविंदा साहब, हम सबको पता है और आपको भी पता है, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर तो आप सुपर नंबर हैं ही, लेकिन डांसर आपके जैसा कोई नहीं। मैं सिर्फ दो ही डांसरों को मानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, पहले नंबर पे सनी देओल, दूसरे नंबर पे मिथुन चक्रवर्ती। हैरान क्यों हो रहे हो? इसका मतलब आप मिथुन चक्रवर्ती को डांसर नहीं मानते? कौन हो आप? गिरधारी लाल जी, कमाल है यार। ये कम माल है? इतना माल लेके घूम रहे हो? ये मालगाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं यार। मैं गोविंदा हूँ, गोविंदा। ओ आप गोविंदा, मैं शर्मिंदा। सर जी मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज ऑटोग्राफ। क्यों नहीं यार, विथ लव गोविंदा। थैंक यू सर, 1000 रुपया दे दो। काहे के? चलान काटा सर। अबे हटा सावन की घटा, खा कुजा बत्ती बुझा के सोजा, मंटी पे खड़े ले आंटी बजा रही बार बार घंटी, इंटुकले विंटुकले फुटले उठले छोड़ा मल्ले चल। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपसे 1000 रुपया मांगा ना, 500 रुपया और ऐड कर दो। काहे का? इतनी सुनने का मैं 500 लेता हूँ। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ सर, मैं सच्ची बताऊँ आपकी, सिर्फ आपकी सुनते हैं सब, क्योंकि आप हमारे प्यारे जान से प्यारे दुनिया में न्यारे हीरो हो। तो अर्चना, अरे भांजा तो भांजा, लेकिन मामा मिया, आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ दोज परफेक्ट जो होता है ना फॉर्मूला बॉलीवुड फिल्म, जिसमें नाच भी है, गाना भी है, कॉमेडी भी है, इसमें डायलॉग्स भी थे। आई मीन दिस इज जस्ट सच अ कंप्लीट एक्ट, एंड विद दिस गेस्ट स्टार ऑफ योर्स। हमेशा अच्छा करते हो, ऐसे ही करते रहो, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सिर्फ मेरा भांजा है सामने, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी से कह रहा हूँ, आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और ये माहौल बना रहे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ आपका, कि आपका ये भांजा मुझे मिला, क्योंकि जब मैं पंजाब से आया मुझे कुछ नहीं आता था, जो कुछ भी मैंने सीखा इसी से सीखा। अब मैं शराब भी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, लड़कियाँ भी छेड़ता हूँ। अगले एपिसोड में भी अगर मेरा साहस रहा तो हो सकता है मैं बैंक लूट लूँ। तो कुल मिला के ये कहोगे तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये मेरे साथ नहीं होता ना सच्ची, ये भूखा मर जाता। मैंने सर ये मजाक कर रहे हैं, सुदेश जी की आदत है, ये शक्ल से भले ही कैसे भी हूँ लेकिन दिल के ना बहुत कमीने इंसान है। हफ्ते से शुरू होगी बेस्ट परफॉर्मिंग चैलेंजर के चैंपियन बनने की प्रथा, लेकिन कौन होगी वो लकी चैलेंजर जोड़ी जो बन जाएगी चैंपियन अगले ही हफ्ते? लेकिन उससे पहले हम बुलाएंगे हमारे आज के पहले चैलेंजर्स को। अपने हुस्न में 4 चांद लगाना हर औरत का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और इसीलिए अपने रूप को सजाने आदित्य जा पहुंचे हैं ब्यूटी पार्लर में, जहां उसका कायाकल्प कर रही है ब्यूटिशियन बनी राजू श्रीवास्तव। प्लीज वेलकम द चैलेंजर्स, राजू श्रीवास्तव एंड आदित्य। Hi. Welcome to our parlor. First, I will show you all my facilities here. Come this area.
This for hair spa. This for body spa. This room for facial. This for massage. This for bleach. This for pedicure. This room for manicure. And this room for loo. Sometimes I provide you body massage also, a man to man, girl to girl. If you required, we provide you cross also. Hello? Yeah. Haan, Michael. Haan, tune address diya to udhar pahunch to gaya ho. Spa to lag raha hai abhi, dekhte kya hota hai. Oh, ek customer. Ek minute, Michael, holding karna. Hi, customer. Hello. Hi, customer. Hi. Kya karwana hai? क्या मेरा मतलब है फेस मसाज कराना है फेस मसाज ओह माय गॉड आई विल सेंड यू द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस गर्ल फॉर यू फॉर फेस मसाज यू नो इज वेरी ट्रेन्ड एंड वेरी सीनियर मोस्ट ब्यूटीशियन कमिंग फ्रॉम पेरिस एंड लंदन दिस इज नो प्रॉब्लम आई विल सेंड यू बेयर विद दिस गिव मी वन सेकेंड नो ओके टेक समथिंग हैव यू टेक टी कॉफी एनीथिंग लीकर एंड ऑल दैट या नो प्रॉब्लम हाउ आर यू फाइन थैंक यू Okay, be with us. I'm coming, yeah. कमाल है माइकल कैसी जगह भेजा है लगता है इधर के बहुत चक्कर मार चुका है तू अभी आई थी मुझे बोली कि एक सुंदर सी सेक्सी वेल ट्रेन लड़की देख के जा रही है मैं उसके लिए रुका हूँ चल चल मैं काटता हूँ अभी बाद में बात करते बोर मत कर किसको कराने के डराती क्यों है अरे बाबा क्या मांगता है क्या करने का बोलो ना मैं बराबर करके देगी करती है मैं क्या हो गया अरे क्या करने का किसको करने का बोलो मैं करके देती है मैं गलती से आ गया मैं लोखंड वाला मैं अरे घर जा रहा था अरे मैडम ने बोला तो करने मांगता है ऐसे क्या करते तुम बैठो मैं करके देती है इतना काहे को घबराते तू चलो कपड़ा उतारो कपड़ा क्यों उतारो बॉडी मसाज नहीं कराना फेस मसाज करना अरे बाबा उधर घसाई करेगी घसाई करेगी बाल टूटेगा भी कंप्लेन करेगा तो मैडम को मैं क्या बोलती है क्या हंसता क्या कोई बाल ही नहीं है अरे बाबा छी ऐसे तू सफा चट काय को रखता है क्या मुंबई एयरपोर्ट इधर ही शिफ्ट होने वाला है मेरे जो दादाजी है ना घर पे दादाजी एकदम इतने बड़े बड़े बाल रखते छाती में वो इतने बड़े हो गए घूमूंगे राउंड राउंड छल्ले जैसे हो गए दिन में ऐसे खटिया में लेटते ही ना उसमें मक्खी फंस जाती है मक्खी चारों बाजू ऐसे निकलने की ट्राई करती कितना टाइम पास होता है हम लोग का मालूम है तो ऐसे छाती में बड़े बड़े बाल रखने का किधर ऐसे बाहर गाँव जाएगा ना ट्रेन में किधर जाएगा शर्ट उतार देने का मक्खी फंसेगी तुम्हारा टाइम पास होगा दो 250 किलोमीटर तो मक्खी निकाल देगी समझे ना अच्छा मैं क्या बोलती हेलो हाँ मैं क्या बोलती है अभी मैं लाइट ऑफ करेगी घबरने के नहीं लाइट क्यों अरे लाइट ऑफ करेगी तो ही तो चेहरे में ग्लो आएगा लाइट में तो कोई भी ग्लो देता है अंधेरे में जो ग्लो देता है वो बड़ी बात है अच्छा अच्छा सुनो हाँ। अभी इधर से कुछ लगाएगी ठंडा ठंडा तुम्हें बदन झुरझुरी होएगा घबरने का नहीं ये सब पार्लर में चलता है झुरझुरी छूटने वाला है तुम्हारा लगा ना झुरझुरी जाने का है कहाँ कैसे लगता है अच्छा लगता है ये सब काहे को बड़ा है ये कंजूस ये सब क्या है लेके घूमता है ऐसा अच्छा मैं क्या बोलती है क्या करते तुम मैं कर लेता हूँ कुछ तो बराबर करने का मुंबई में करते रहने का अच्छा मैं क्या बोलती है आप क्या बोलती है मेरे भाई का देखो ना देखता हूँ लेकिन देखना क्या मेरा मतलब है वो करता क्या अरे बरा वो करते है ऐसे जो मतलब अच्छा करते है वो नहीं नहीं अच्छा करता है ठीक है लेकिन करता क्या है अरे बाबा उसको बोलेंगे तो वैसा वो करते है दिल से करता है दिल से करता है तो ठीक है फिर देखता हूँ हाँ दिल से करता है ना वो मैं क्या बोलती है अरे मेरे छेद थोड़ी बंद है बोलो ना अरे बाबा कैसे है तू मेरे को ना लंबा गिरता है लंबा क्या लंबा गिरता अरे बाबा मैं क्या बोलती है मैं घाट के ऊपर रहती है
तो साइन में बस बदली करना पड़ता है तो लंबा गिरता है। अच्छा मैं क्या बोलती है, अरे सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। क्या हुआ? अरे मैं तेरे को स्टीम नहीं दी। हाँ स्टीम मांगते हैं ना? हाँ, फेस मसाज के साथ तो स्टीम होगा। स्टीम मांगते हैं ना? ओके मैं स्टीम पहले तैयार करती। हाँ बराबर है। ये क्या कर रही है? अरे बाबा हम लोगों का स्टीम मशीन खराब हो गया है। तो मुंह से स्टीम? अरे बाबा कस्टमर भगवान होते हैं ना, सेठ बोलता है एडजस्ट करने का। अच्छा सुनो। हाँ वो भी करती है क्या? कौन ये? हाँ अरे बाबा इसको जमता नहीं है। जमता नहीं बोलो तो? उसको जमता नहीं है, इसे खाली पॉकेट वो हिसाब से इधर है। ओ हिसाब से मतलब? अरे बाबा सेठ का मालूम है ना हिसाब? सेठ का? सेठ के हिसाब से। समझ गया समझ गया। अच्छा तू जाती देख मत उसको। मैं क्या बोलती हूँ, पेटी कोट करूँ क्या? पेटी कोट? अरे बाबा वैसा नहीं, वैसा नहीं थी बाबा। ओ बैठने का, पेटी कोट बोलेगा तो ये क्या बोलते इसको, पेडिक्योर? पेडिक्योर करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं। मैं क्या बोलती है? अब क्या बोलती है? मेरे मर्द का देखो ना। वो भी दिल से करता होगा। वो अच्छे से करता है, बोलेंगे तो करते है वो। तो देखता हूँ ना। नहीं बोलेगा तो काय को करेगा। अच्छा हेड मसाज दूं? नहीं 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 हेड मसाज नहीं। हेड मसाज लेने का भी नहीं मालूम है, कभी कभी पोल खुल जाता है। कह रहे थे किसी किसी का विग हाथ में आता है तो पूरा प्लॉट दिखाई पड़ता है। प्लॉट नहीं पैच पैच। हाँ वही पैच पैच ऐसे करके दिखाई पड़ता है। मैं क्या बोलती है, इधर ना बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग आते हैं तो ऐसा मत समझ कैसा भी करके पार्लर है। अच्छा कौन कौन एक्टर आता है? शाइनी आहूजा इधर ही आता था। शाइनी आहूजा ना मेरे को इतना लाइक करता मालूम है, कभी भी आएगा पार्लर में, पिंकी किधर है, पिंकी किधर है, पिंकी किधर है। पिंकी शाइनी आहूजा को ना पिंकी के बगैर चलता ही नहीं है। अच्छा अभी शाइनी आहूजा काहे को नहीं आते? उसके साथ कुछ हो गया। हाँ उसका तकलीफ हुआ था, पेपर में पढ़ा था वो, लफड़ा हुआ था मुझसे। तो मालूम है तो पूछती काहे को है। अरे बाबा तेरा शक्ल शाइनी आहूजा से मिलता है तो मैं सोचा तू जास्ती बताएगा। ये पार्लर में क्रिकेटर लोग भी बहुत आते हैं। अच्छा क्रिकेटर कौन आता है? डीनो मौर्या। लेकिन वो तो बोलता था वो एक्टर है। अरे बाबा ये जब से आईपीएल हो गया ना मेरे को मालूम नहीं गिरते कौन एक्टर है क्रिकेटर है। पूरा ऐसा मिक्स हो जाता है। सही है। अच्छा मैं क्या बोलती है, मेरे लिए देखो ना किधर। देखो ना। क्या नहीं देखना है मतलब? मैं देखता एक्चुअली, लेकिन आजकल क्या मेरा भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारा भी तकलीफ है? अरे बाबा तुम अपना कार्ड दो मैं तुम्हारे लिए देखती है। अरे बाबा तुमको सिलाई सिलाई कढ़ाई जमता है? वेल्डिंग वेल्डिंग का जमता है? कारपेंटर का? करीम भाई से बोल के कराती थी घाटकोपर में कमानी मार्केट में। मेरे को नहीं करने का है। अरे तो बीवी को कराने का है। मेरी बीवी क्यों काम करेगी? अरे बीवी को ना ये पार्लर में लगाने का भी नहीं, सेठ एक नंबर का हलकट है। पूरे दिन सेठ किधर गायब रहते हैं मालूम नहीं, पार्लर बंद होने के टाइम बराबर बाइक लेके आता है। जो नवी रहेगी ना एम्प्लाई उसको बोलता है चलो मैं तुमको छोड़ता हूँ, अभी छोड़ता नहीं है। खाली बोलता है छोड़ता हूँ, अभी छोड़ता नहीं है। तुम्हारा ये जो मालिक है मेरे पहचान का है। सेठ पहचान का है? हाँ। फिर क्या तुम ऐसे सेठ को मेरे सेठ को क्या ऐसे उल्टा सीधा बोलते? तुम सेठ हमारा भगवान है मालूम है क्या? तुम कुछ भी बोलेंगे ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलता नहीं, मेरी साइड की छोकरी नहीं है। तुम कुछ भी बोलते क्या हो, तुमसे क्या हो गया, बात करते है तुम? अरे लेकिन तू खुद बोली ना सेठ चालू है, मुँह मुँह करते रहता है, छोड़ता नहीं है। अरे बाबा तुम क्या बोलते, तुम्हारा पार्लर है, तुम्हारा पार्लर मैं नहीं काम करेगी तुम्हारे इधर। अरे मैंने कभी काम तुम अभी बोलते थे हमारे सेठ को काहे को गलत बोलते है, कितना अच्छा मानुस मालूम, पूरा हिंदुस्तान उसको प्यार करता है। ऐसे क्या बात करते है तुम, ऐसे करने के नहीं समझा क्या? चल मैं स्टीम देती है। नहीं अच्छा रुको बाबा, मेन सब कुछ हो गया ना, अभी खीरा लगाती है। खीरा मालूम है? काकड़ी काकड़ी। हाँ। ये लगाती है, खाएं क्या नहीं? खीरा क्यों खाऊंगा अभी? अरे बाबा कोई कोई कस्टमर खा लेते हैं। ये रात तक सेम खीरा सब कस्टमर लोगों को लगाना पड़ता है ना। ये छी।
मैं क्या बोलती है? मेरा देखो ना किधर। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं देखना है। क्या बात करते हैं? नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ, माफ कर देना। ऐसा क्या करते तुम बाबा? नहीं, ऐसे नहीं करने का। आप देख रहे हैं कॉमेडी सर्कस। I would love to come to this Pinky's parlor. बहुत अच्छा, I thoroughly enjoyed your act. ये act ऐसा मिसाल है जिसमें मतलब without a script ऐसा लगता है, without a script जा रही है, लेकिन beautifully scripted है. और राजू इसका श्रेय I think मैं आपको दूंगी, because ये आपकी, you know, इसमें आपकी खुशबू आ रही है. Very well done both of you. गोविंदा जी, आप जाना चाहेंगे पिंकीज पार्लर में? राजू मेरा नहीं देखना। मेरा काम अच्छा चल रहा है। और बहुत अच्छा काम, हमेशा अच्छा करते हो, आज भी बहुत अच्छा काम किया, ऑल द बेस्ट। प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन जब अंधे लोग प्यार करते हैं तो वो 100 जन्मों तक निभाते हैं। प्लीज वेलकम द चैंपियन अली एंड स्वप्निल। हेलो एवरीबॉडी, हाय पीपल, हेलो अर्चना, हेलो चीची, भैया नहीं कहूंगी। मैं आज एक कन्फेशन करना चाहती हूँ, यू नो ही वॉज माई फर्स्ट क्रश इन कॉलेज, एंड इससे भी बड़ा कन्फेशन ये है कि ही स्टिल इज माई फर्स्ट क्रश। जानधारी, हेलो हेलो हेलो, अरे तुम आओ। Excuse me, please, देखिए मैं एक डेली सोप की एक्ट्रेस हूँ। और तुम कौन हो? हाँ, महाभारत के क्राउड में काम करते हो? महाभारत में तो हमने क्राउड सप्लाई किया था। अरे अरे, हमारे 100 बच्चे थे जानदारी। 100 बच्चे? ये तुम कौन सी और किस जमाने की बातें लेके बैठ गए? अरे ये तुम भूल गई जानदारी, ये तुम्हारा 100वां पुनर्जन्म है। हाँ, पिछले जन्म में तुम जानधारी थी और मैं तुम्हारा कृत्रास्त, उफ कृतु। ऐसी घटिया घटिया कहानी बना के सुनानी है ना तो राम गोपाल वर्मा को सुनाओ, उसके पास कहानियां कम है, उसको कहानियां मिल जाएंगी और तुम्हें काम। अरे भगवान झूठ न बुलाए, मुझे तो एक ही काम आता है, राज्य पर शासन करना। और रही बात राम गोपाल वर्मा की, तो वो तो 100 जन्म पहले विषम पितामह थे। हाँ? हाँ, अरे तभी तो फ्लॉप के इतने तीर खाने के बाद भी जिंदा है ससुरा। अरे इनकी ये सब बात में क्यों वक्त जाया करना। आओ आओ जानधारी, हम अपने युग की बात करें। एक मिनट, क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ही तुम्हारी जानधारी हूँ? तुम तो वैसे ही अंधे हो, अंधे हो तुम। कौन कहता है मैं अंधा हूँ? मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ताकि अंधाधुन फायदा उठा सकूं। मतलब तुम अंधे नहीं थे? नहीं। तुम उस जन्म में अंधे नहीं थे? नहीं। तुमने सब कुछ देखा था? आप तो इतने अच्छे एक्टर हैं, आप मेरे साथ डेली सोप में काम कीजिए ना। कौन से सीरियल में? लाडो। लाडो, इन नाम सुना सुना सा लग रहा है। कहीं मात्र इधर की उधर तो नहीं हो गई? मतलब लाडो, मैंने डोला सुना है, डोला। अब भी शुरू किया, अब भी गिर गए। अरे अरे, कम से कम हाथ तो दो जानधारी। देखो तुम्हारी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, तुम ये डांस वांस मत करो। तुमको 100 के आगे कुछ आता है? अरे जानधारी, 100 के आगे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले ही तुम मर गई थी।
मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ डेली सोप में काम करो ना, तुम तो वन टेक एक्टर हो। अरे ये बताओ मुझे करना क्या होगा? तुम्हें कैमरा के सामने परफॉर्म करना होगा। देखो जानदारी, सच कह रहा हूँ, मैं एवरीडे लूंगा एवरीडे। अरे काम करूंगा तो पैसे तो चाहिए। बेवकूफ, वो एवरीडे नहीं होता है, वो पर डे होता है, पर डे। हाँ वही दे देना। तुम तो इतने कमाल के एक्टर हो, तुम पर शिफ्ट ले लेना। नॉटी? बहुत झूठ बोल रही हो तुम जानधारी। क्यों? मैं नहीं जानता क्या? अरे कॉमेडी शो में पैसे कहाँ मिलते हैं? क्यों? ख्याली को तो दिए थे। अरे उसे तो शो से बाहर जाने के लिए दिए थे। जबकि मैं तो शो में आना चाहता हूँ और फाइनल तक पहुँचना चाहता हूँ जानधारी। अरे तो हमें फाइनल तक पहुँचने से कौन रोक सकता है? ये बता तू कौन है? मैंने तो कहा मैं तुम्हारा कृत हूँ। अरे कैरेक्टर से बाहर आ और मेरे को बता तू कौन है। मैं अली हूँ यार। और मैं कौन हूँ? स्वप्निल। यस, एक कॉमेडी सर्कस का सबसे पहला विनर और एक कॉमेडी सर्कस का सबसे ताजा विनर। तो हम दोनों मिलकर करेंगे क्या यार। थैंक यू। अर्चना जी, कैसा लगा इनका जन जन का रिश्ता? जैसा मैं आज देख रही हूँ कि एक अजीबोगरीब सा एक माहौल बन रहा है जहाँ पर I think there are going to be a lot of surprises this season. Each one is coming with their own strength and surprising us. Each one is going to be better than the other. So all the best to both of you and all the best to the rest of you. Thank you. Govinda sir. जितना अच्छा तुम लोग कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम लोग कोई नहीं जीतोगे। और यही तुम्हारे शो की जीत होगी। Very good job. Very good. Thank you. कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। और अब आ रही है चैलेंजर्स की BMW। BMW यानी बहुत मोटी वाइफ, जिसको वाइफ बनाने से पहले ही परेश ने ब्रेकअप कर लिया। अपने ब्रेकअप की कहानी खुद अपनी जुबानी दिखाने आ रहे हैं द चैलेंजर्स, परेश एंड भारती। प्लीज गिव देम अ बिग अप्लॉज। अर्चना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतने बड़े फ्लैट का भाड़ा मैं अकेला नहीं दे सकता। अरे अर्चना जी, आप क्या इतना इंटरेस्ट ले रही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई स्मार्ट सा बंदा देखा नहीं कि ये आंटियां भी ना? अच्छा 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 अच्छा, मैं एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना की बात कर रहा था यार। जितना प्यार परमित आपसे करता है ना, उससे कई कम प्यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से करता हूँ। क्या है कि साइज डज मैटर, यू सी। बस इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया और आज मैं अपने सारे गिफ्ट उससे वापस मांगने आया हूं जो मैंने उसे दिए थे। हाय गुगू, आई मीन गोविंदा, कैसे हो? तूने सिर्फ गोविंदा को हेलो क्यों कहा? तो आपने भी तो सिर्फ अर्चना को हेलो बोला। अरे यार, मैं गोविंदा जी को हेलो बोलने जा ही रहा था कि तू बीच में बोल पड़ी। मैं आज यहाँ तुम्हारा और अपना रिश्ता तोड़ने आई हूँ। जिस तरह की तेरी सेहत है, तू कुछ भी तोड़ सकती है। अब मुझे आप गुस्सा दिला रहे हो। देख लो, आज मैं इससे अपना रिश्ता तोड़ने आया हूँ, फिर भी कुछ इसे दिला ही रहा हूँ। तो सोचो, जब मैं इसे प्यार करता था, मैंने इसे क्या क्या दिलाया होगा? अबे ओए, तूने मुझे कुछ नहीं दिलाया, महंगे महंगे गिफ्ट मैं ही लेके आती थी। महंगे वाले गिफ्ट? हाँ। कौन से? अरे ये रोलेक्स की घड़ी, कितनी महंगी है ये। तो ये अब बता रही है, पहले बताती तो बेचना दी होती है। और भूल गए क्या? वो हार कैश। अरे कभी इसके पास कुछ चिल्लर बच जाता था, ये मुझे दे देती थी। अब सिक्कों को हार कैश बोल रही है औरतों की भाईचंग बूतिया। देख, तुझे याद नहीं मैं तुझे हर साल मेले में ले जाता था घुमाने के लिए? गोविंदा जी घुमाता नहीं था, वहाँ पे जाके बच्चों को कहता था आओ बेटे ₹2 में टेडी बियर देखो। क्यों नहीं दिखाते थे मुझे ₹2 में? अरे तो क्या करता, ₹5 कोई देने को तैयार नहीं था। मुझे मेरा एक एक गिफ्ट वापिस चाहिए अभी। छोड़
एक घड़ी के सिवा तूने दिया ही क्या है? तू सबसे पहले मुझे मेरा वो कंगन लाके दे जो मैंने तुझे दिया था। अरे वो अंगूठी थी। अरे वो कंगन ही था, तूने अंगूठी समझ के पहन ली। पहले पहले मुझे वो दो नैनो कार दे जो मैंने तुझे स्केटिंग करने के लिए दी थी। वो तो मेरे पैर रखते ही टूट गई। हाँ, टाटा की कार पे टाटा का ट्रक चढ़ेगा तो कार तो हो ही जाएगी ना टाटा। पहले यही टाटा का ट्रक तुम्हें मर्सिडीज लगता था। मैंने तुम्हारे घर कितने अच्छे अच्छे लड़कों को छोड़ दिया। अरे चल 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 चल, फेंक मत। किसे छोड़ा तूने? उसे। अरे कौन उसे? अच्छा, मतलब चिच्ची के साथ तेरा चक्कर था? अरे नहीं, गोविंदा जी फर्स्ट टाइम आए, क्या पता फिर हाथ लगाने का मौका मिले ना मिले। अरे यार, मेरा चक्कर चिच्ची से नहीं तो टीटू से था। अरे नसीबदार है टीटू यार, मैं फंस गया तेरे चक्कर में। परे जी चुप कर जा, मेरा हाथ उठ जाएगा। भूल गए उस दिन क्या? मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, जरा सा लेट हो गए थे। मैंने क्या हाल किया था तुम्हारा? उस दिन की बात मत कर, उस दिन मुझे थोड़ा जुकाम था। और आज? आज शनिवार है। और आज मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। क्या परेश जी, आप इतने कमजोर निकलोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन ये कृष्णा मुझे छेड़ रहा था, आपने बचाया क्यों नहीं? अरे क्या बात करती है, मैंने तो बचाया था कृष्णा को, है कि नहीं? ये आज भी एहसान मानता है मेरा। लेकिन देख तू डर मत, मैं हूं ना, कुछ भी हुआ तो हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। ऐसे कर रहे, भागोगे तुम? हम यहाँ इनको चैलेंज करने आए हैं। अरे भारती, तू कैरेक्टर से बाहर हो रही है यार। परेश जी, इनको शो से बाहर करने के लिए मैं कैरेक्टर क्या कहीं से भी बाहर हो सकती हूँ। तो बता किसे चैलेंज करना है? ये ठाकुर को। नहीं। क्या हुआ परेश जी? अरे क्या हमें इतना कमजोर समझा जैसे ऐसे कमजोर लोगों को हमें चैलेंज करना पड़ रहा है? भूल के उसके साथ सलोनी भी है। नहीं, क्या हुआ जी? हमें क्या इतना स्ट्रॉन्ग समझा तो इसे चैलेंज करना पड़ रहा है? ओह परेश जी, हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। सब लोग तैयार है? हाँ, यानी हम लोग ही तैयार नहीं है यार। हाँ। चल हम लोग तैयारी करते हैं। हाँ। चलो 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 चलो। अर्चना, आई थिंक मैं चैंपियन से काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि ये चैलेंज आप लोगों को भारी पड़ेगा। बहुत भारी पड़ेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन बिकॉज मुझे लगता है बहुत धमाल होने वाला है, बहुत कमाल होने वाला है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू गोविंदा सर। आप मुझे कुछ भी कहती, चिच्ची कहती, चिच्चू कहती थी, आपने मुझे गुगू क्यों कहा? किसी भी अच्छे आदमी को दो बार गुगू नहीं कहते। स्टार्ट आपका जो है वो थोड़ा स्लो रहा, लेकिन होते 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 लगा के सबको संभल के रहना है। अगले हफ्ते से शुरू होगी बेस्ट परफॉर्मिंग चैलेंजर के चैंपियन बनने की प्रथा, लेकिन कौन होगी वो लकी चैलेंजर जोड़ी जो बन जाएगी चैंपियन अगले ही हफ्ते? लेकिन उससे पहले हम बुलाएंगे कॉमेडी के सबसे बड़े गैम्बलर को। गोविंदा जी, आपके लिए कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस हैं। आई रिक्वेस्ट, प्लीज आप इधर स्टेज पर आ जाइए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गोविंदा जी। सर, आपके लिए कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, आपको उनका जवाब देना है। इट्स अ रैपिड फायर, रेडी? जी। पहला सवाल, सर आपने नहाना शुरू किया? ये क्या हो? सर प्लीज, हाँ या ना, सिर्फ हाँ या ना सर। मतलब यहाँ इसे देके कचरा करते हैं कि कचरा करके इसे देते हैं? आपके लिए हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इन फोटोग्राफ्स में आप क्या कर रहे हैं,
क्या सोच रहे हैं प्लीज देख के हमें बताइए. इस फोटोग्राफ में आप डेविड जी से क्या कह रहे हैं? डेविड कह रहे हैं कि रितेश देख नहीं रहा है, कम से कम तू तो देख. और मैं उससे कह रहा हूँ कि देख, तू मुझे ख़राब निगाह से मत देख, थोड़ा वेट लूज़ कर, अच्छा हो जा, रिकॉर्ड सही कर, फिर देखेंगे कि देखना है कि नहीं देखना है. Can we have the next photograph, please? इस फोटोग्राफ में सर आप ये सुपर हीरो ड्रेस में इन वादियों के बीच, वो विनस से सामने है ना, विनस से. विनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं. शुक्र आपको बहुत कुछ देता है तो आप शुक्रिया कहते हैं. तो थैंक यू वेरी मच, जो मुझे प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगला प्रश्न ये है कि अगर आपको अपना कोई सीन बिना डायलॉग के करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? आज के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली. थैंक यू. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गोविंदा जी. थैंक यू. थैंक यू. दोस्तों ये तो गोविंदा जी के साथ मस्ती की एक छोटी सी झलक थी. ढेर सारी मस्ती अभी बाकी है, ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स. अगले हफ्ते से शुरू होगी बेस्ट परफॉर्मिंग चैलेंजर के चैंपियन बनने की प्रथा. लेकिन कौन होगी वो लकी चैलेंजर जोड़ी जो बन जाएगी चैंपियन अगले ही हफ्ते? ये सब जानने के लिए और हंस हंस के अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करने के लिए आपको आना होगा यहीं कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स पर. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.